नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन का टेस्ट लगाने वाले हैं, जहां पर आपके पूरे के पूरे 40 प्रश्न हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और इसके पहले भी हमने कई पार्ट आपके अपलोड कर दिया है, तो जितने बच्चे नए यहाँ पर जुड़ रहे हैं, सभी बच्चे पिछले वीडियो भी देखते जाएँ और इस वीडियो को भी आप पूरा देखिएगा, ठीक है। और जितने बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं, सभी लोग बता दीजिए, हमारी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? जवाब दीजिए। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपका है, 91 का ऑप्शन राइट। यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं और राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अकबर। याद रखिएगा कि मनसबदारी व्यवस्था जो आपकी थी, इसका सूत्रपात किसने किया था? आपके अकबर ने, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, जिसका जवाब सी आया है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, हिंदी भी पढ़िए, यूपी स्पेशल भी पढ़िए और जीएस भी पढ़िए, तभी उद्धार होगा। अब ये सोचो नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ लें, हिंदी पढ़ लें, इसी से जॉब लग जाएगी, तो कभी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपका विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं? वेरी नाइस, ऑप्शन राइट आपका 92 का बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। ये दिवस क्यों मनाते हैं? तो देखो, जो चीज़ों में कमी हो रही है, जैसे मान लीजिए गौरैया क्या है, ये जो चिड़िया है आपकी लुप्त हो रही है, तो मनाने से ये होता है कि उन पर संरक्षण, उसे आपसे ज़्यादा ज़्यादा बढ़ावा मिल जाता है कि लुप्त ना होने पाए, ठीक है, इस हिसाब से दिवस मनाते हैं। तो सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है किससे आता है? 93 का ऑप्शन राइट। देखो, कुछ समय पहले कह सकते थे कि भारत की जो जीडीपी थी वो आपकी होती थी कृषि से, लेकिन वर्तमान में सेवा क्षेत्र का ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, और जिस देश में सेवा क्षेत्र बढ़ेगा उस देश का उद्धार होगा। इसी प्रकार यहाँ पर आपका व्यापार कर आपका, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए, AMD द्वारा विकसित 64-बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? आपके AMD द्वारा विकसित किया गया आपका 64-बिट माइक्रो प्रोसेसर, इसका नाम क्या रखा गया है? 94 के जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर आपका ऑप्टेरान, ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा ऑप्टेरान। ये आप कह सकते हैं कि 64-बिट माइक्रो प्रोसेसर का आपका ये नाम है ऑप्टेरान, ठीक है, जो कि आपके AMD द्वारा विकसित किया गया, ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा। अगला जवाब दीजिए, भूखंड के दृष्टिकोण से विश्व में भारत किस स्थान पर है? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, हमेशा पढ़ने वाले बच्चों के लिए ईजी होगा, ठीक है। तो भूखंड के दृष्टि से विश्व में भारत का जो स्थान है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, 7वें स्थान पर, ठीक है। देखिए, पहला आपका कौन आता है? रूस, फिर उधर आपका हो जाएगा कनाडा, है ना, फिर इधर आपका आ जाएगा चीन, फिर आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राज़ील, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, फिर 7वां नंबर आपका आता है किसका? आपके भारत का आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हार्ड डिस्क की क्षमता मापी जाती है किसमें मापते हैं? यहाँ पर देखो, हार्ड डिस्क दिया है, याद रखिएगा हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क होती है जो कि कह सकते हैं उसमें भंडारण क्षमता GB में होती है, तो GB मतलब आपका हो जाएगा गीगाबाइट, जिसका जवाब यहाँ पर सी आया है, बिल्कुल सही है, गीगाबाइट होती है हार्ड डिस्क की क्षमता मापने की इकाई, ठीक है, ये गीगाबाइट किया है मतलब हार्ड डिस्क की, ठीक है। अगला जवाब है क्वेश्चन, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए, जो व्यक्तिगत ओलंपिक में स्वर्ण पदक पाए थे। व्यक्तिगत मतलब होता है कि किसी भी खेल में सिर्फ वही रहे हों और उन्हीं को स्वर्ण पदक मिला हो। मान लो जैसे हॉकी में होते हैं, तो हॉकी में कई प्लेयर होते हैं, तो उनको स्वर्ण पदक मिला, तो वह व्यक्तिगत नहीं होगा, वो आपका सामूहिक होगा, लेकिन व्यक्तिगत होगा कौन सा? ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, जवाब यहाँ पर आपका 97 का जवाब आपका सी हो जाएगा, अभिनव बृंदा, ठीक है, अभिनव बृंदा को कह सकते हैं कि 2008 ओलंपिक में इनको आपके 10 मीटर एयर पिस्टल में इनको कह सकते हैं स्वर्ण पदक आपके पाए थे अभिनव बृंदा, ठीक है। चलिए अगला जवाब दीजिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 98 का जवाब दीजिए।
बिल्कुल सही है जवाब, ऑप्शन राइट, सभी का जवाब बिल्कुल आ रहा है। ए नंबर आपको हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी आपके दिल्ली के काउंसिल चैम्बर भवन में, ठीक है। और इसके जो आपके अध्यक्ष थे वो आपके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए अगला जवाब दीजिए। यहाँ पर पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 1947 में पुनर्गठन के फलस्वरूप जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी वो कितनी रह गई थी? 99 का जवाब ऑप्शन राइट आपका 299 हो जाएगा। यहाँ पर आपका सी आंसर हो जाएगा, 299 रह गई थी, ठीक है, जिसका जवाब सी आया बिल्कुल सही है। चलिए अगला जवाब दीजिए। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई गई थी, बताइए भाई, सल्तनत काल की जो आपकी विशालतम सेना थी और जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, ये जो आपकी सेना बनाई थी किसने बनाया था? 100 का जवाब, तो वेरी नाइस, 100 का जवाब आपका बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशालतम सेना आपकी तैयार किया था, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला है विख्यात बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? 101 का जवाब, यहाँ पर काफ़ी बच्चों के पहले से आ गए हैं, मतलब तैयारी काफ़ी अच्छी है। तो बिहू नृत्य की जो आपका है वो किस राज्य से है? 101 का ऑप्शन राइट ए हो जाएगा आपके असम से है, ठीक है, बिहू नृत्य कहाँ का है? आपके असम का है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला है बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए, तो भाई बलवंत राय मेहता कमेटी ने एक सुझाव दिया था कि जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था वो आपकी त्रिस्तरीय हो, कैसी हो? त्रिस्तरीय। अब त्रिस्तरीय में आपके क्या क्या आते हैं? 102 का जवाब क्या हो जाएगा? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में आपका सबसे पहले आपका ग्राम आता है, फिर ब्लॉक होता है, फिर आपका जिला आता है, ठीक है, तो जिसका जवाब ए आया है बिल्कुल सही है, सबसे पहले ग्राम होता है, फिर ब्लॉक होता है, फिर आपका जिला आता है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस है, निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन है? 103 का जवाब दीजिए भाई। यहाँ पर 103 का जवाब, यहाँ पर बिल्कुल जवाब यहाँ पर पूछा गया है आउटपुट डिवाइस, बिल्कुल सही है, प्रिंटर, प्लाटर और मॉनिटर ये सभी आपके क्या होते हैं? आपके आउटपुट डिवाइस ही होती है। 103 का ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? 104 का जवाब दीजिए। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर काफ़ी बच्चों का आ रहा है। और भाई सभी हिंदी की भी तैयारी, यूपी स्पेशल की तैयारी और जीएस की तैयारी पूरी दनादन करते रहिए, क्योंकि हिंदी से काम नहीं चलेगा ना ही यूपी से काम चलेगा, पूरा पूरा आपको तैयारी करना पड़ेगा और करंट भी, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। 104 का जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर, आपका 140वां स्थान आपका है, ठीक है, 140वां स्थान है। और कह सकते हैं कि इसके पहले जो आपका था वो आपका 138वां स्थान था, अब दो पैदान और आपका घट गया है, अर्थात कह सकते हैं इसकी रैंकिंग आपकी बढ़ गई है, ठीक है, तो 140 हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए कि हाल ही में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में 100 वर्ष पुरानी पंजाबी कविता के अंग्रेजी अनुवाद वाली एक पुस्तक को आबू धाबी अर्थात UAE में जारी किया गया है, इस पुस्तक का नाम क्या है? देखिए आपके जलियांवाले बाग का जो आपका 100 वर्ष पूरा हो गया है, ठीक है, वर्ष पुरानी आपकी पंजाबी कविता है, तो इसमें अंग्रेजी अनुवाद वाली एक पुस्तक को आबू धाबी में जारी किया गया है, और इस पुस्तक का नाम क्या है? यह आपकी अंग्रेजी अनुवाद वाली पुस्तक है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका जिसका जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही है, खूनी बैसाखी इस पुस्तक का नाम राम रखा गया, ठीक है, खूनी बैसाखी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2019 और 20 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? वर्ष 2019-20 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? याद रखिए हम थोड़े स्पीड में रहा करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम भी होती है कि थोड़ा स्लो हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे जो नए हैं तो उनको अच्छा लगता है, क्योंकि उनको तैयारी नहीं होती और जिसकी तैयारी लगता है तो उनको लगता है टाइम हो रहा है, बात सही है, तो हम दोनों को मिक्स रहेंगे, मीडियम चलेंगे यहाँ पर, तो बिल्कुल सही जवाब 106 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर 7.5, ठीक है, 7.5 रहने का आपका अनुमान है, ठीक है। चलिए अगला जवाब यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? जवाब दीजिए भाई। तो भाई यहाँ पर फ्री शिक्षा जो आपकी है
अर्थात स्कूल चलो अभियान की शुरुआत। 107 का जवाब बिल्कुल सही है, सी नंबर सन 2000 ईस्वी में, ठीक है, सन 2000 ईस्वी में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई थी उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? 108 का जवाब दीजिए भाई। तो 108 का जवाब यहाँ पर आना शुरू हो गया है, लेकिन कुछ बच्चों का जवाब गलत आ रहा है। बिल्कुल सही ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, लखनऊ, ठीक है। आपके उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र की जो अवस्थित है आपके उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आपके मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और तिब्बत में जो कि सांगपो के नाम से जानी जाती है वो भारत में एंट्री जब करती है, कहाँ से करती है? तो बिल्कुल सही ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तब इसे दिहांग कहते हैं और जब असम में प्रवेश करती है तब इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इसे हम लोग बोलते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, जमुना बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है। आपने नाम सुना होगा सुपीरियर झील, और सुपीरियर झील जो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में, अर्थात कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका में है, जो कि एक विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है, ठीक है ना। और यहाँ पर पूछा है कि सुपीरियर झील पर स्थित आपका ये नगर कौन सा है। 110 का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यहाँ पर डुलुथ आपके कह सकते हैं सुपीरियर झील पर आपका स्थित आपका नगर है। अगला जवाब यहाँ पर पूछा गया है कि व्यय विधि के माध्यम से GNP की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है। आपने यहाँ पर GDP पढ़ा था, GDP और आपका एक होता है GNP होता है, तो भाई याद रखना GNP जो होती है क्या होती है, तो आपकी GDP में मूल ह्रास घटा दिया जाता है, ठीक है, GDP में मूल ह्रास घटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, मूल ह्रास व्यय को घटा दिया जाता है, अर्थात कह सकते इसको शामिल नहीं करते हैं, जब शामिल नहीं करते तो आपकी GNP निकल आती है। 111 का जवाब आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, मूल ह्रास व्यय शामिल नहीं होता है आपकी GNP में। चलिए अगला जवाब दीजिए, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर लॉन्च की गई योजना का नाम क्या है। आपके केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर लॉन्च की गई योजना का नाम क्या है, योजना का नाम क्या है? 112 का जवाब, 112 का जवाब क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल सही है, 112 का जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका STARS स्टार्स, ये आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर लॉन्च की गई आपकी योजना है, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला कह रहा है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 में किस शहर को पहला स्थान हासिल हुआ है। 113 का जवाब दीजिए भाई, 113 का जवाब आपको देना है। यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निशान मत लगाना, ठीक है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका इंदौर, ठीक है, याद रखिए ये आपका स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में जो शहर को आपको पहला स्थान मिला है इंदौर को मिला है, ठीक है, इंदौर को मिला है, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये तीसरी बार लगातार पाया है। चलिए अगला जवाब दीजिए यहाँ पर, कि निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। सर्वाधिक बड़ा जो जल ग्रहण क्षेत्र है इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो नदी बेसिन है ना, उत्तर भारत में देखा जाए तो आपकी गंगा है और दक्षिण भारत में देखा जाए तो आपकी कौन सी नदी है। बिल्कुल सही ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, आपकी गोदावरी नदी है जिसका बहुत बड़ा आपका जल ग्रहण क्षेत्र है। जल ग्रहण क्षेत्र आपको बता दें, जैसे कि आपकी ये नासिक के पास निकलती है और आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसमें ढेर सारी दूर तक नदियाँ आपकी हैं, तो जितनी दूर तक आपकी नदियों को फैलाव होता है इसी को हम लोग नदी बेसिन कहते हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला जवाब दीजिए, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। याद बताइए कि पंचायत का चुनाव अगर कराना है तो भाई किसके निर्णय के अनुसार लिया जाता है ये चुनाव। 115 का जवाब, 115 का जवाब ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा आपका ये कह सकते हैं निर्णय लिया जाता है, बी नंबर। अगला जवाब दीजिए यहाँ पर, कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी भारतीय महिला ब्रिटेन की फेलो रॉयल सोसाइटी की सदस्य बनने वाली 358 वर्ष के इतिहास में पहली बार यह आपकी महिला बनी है। भारतीय महिला ब्रिटेन की फेलो
राफेल सोसाइटी की सदस्य बनने वाली रायल रायल है यहाँ पर रायल सोसाइटी की सदस्य बनने वाली 358 वर्ष की इतिहास में पहली महिला की बनी है। यह आपकी महिला का नाम क्या है? 116 का जवाब भाई। करंट अफेयर पढ़ते रहिए, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, गगनदीप कंग, ठीक है। गगनदीप कंग है जो कि ब्रिटेन में आपके फेलो रॉयल सोसाइटी के सदस्य बनने वाली आपकी महिला बन चुकी हैं। अगला जवाब दीजिए यहाँ पर कि भारत जैसा अविकसित देश जो गतिहीनता और मुद्रा स्फीति दोनों में से बचने को कृत संकल्प है, को अधिक और वृद्धिशील मात्रा में जिसकी प्राप्ति की उपाय करने होंगे, वो आपका कौन सा है? मतलब कि मुद्रास्फीति दोनों में से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तीन के लिए जो करना है वो करना है आपका ए, कर आय करना पड़ेगा, ठीक है। कर आय ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो भाई 118 का जवाब दीजिए यहाँ पर सभी लोग। बिल्कुल सही है, एरिया वाले ने जवाब दे दिया जो उस एरिया में रहते हैं। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, रायबरेली, ठीक है। वहां पर आपका एक हवाई अड्डा भी है, फुर्सतगंज, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए, यहाँ अर्थात भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा था? भारत में क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, ये वर्ड किसी अंग्रेज ने ही कहा था, लेकिन किसने कहा था? 119 का जवाब ऑप्शन राइट आपका सी, लॉर्ड बेवेल ने कहा था, ठीक है। ये वर्ड लॉर्ड बेवेल ने कहा था, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला है, इंडिया टुडे क्या है? इंडिया टुडे ये है क्या? 120 का जवाब दीजिए भाई, इंडिया टुडे है क्या? इंडिया टुडे क्या है? 120 का जवाब आपका ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, एक समाचार पत्रिका जो कि वर्तमान मामलों को समर्पित है, जिसका जवाब सी आया है। बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी जो आपका है कहाँ पर है, मुख्यालय बताइए। देखो जो परमाणु आपका है, यह कह सकते हैं फाउंडेशन वाला, ये कह सकते हैं एजेंसी, दोनों का ही मुख्यालय आपको कह सकते हैं आपके कहाँ पर है। बिल्कुल सही ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, वियना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का मुख्यालय आपके वियना है। अगला है, वर्ष 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? बताइए भाई, 1932 में आपका पूना समझौता हुआ और इसमें जो समझौता हुआ किससे संबंधित था, यह समझौता क्यों हुआ था? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच आपका जो संबंधित हुआ था वो आपकी भारतीय दलित वर्ग के लिए हुआ था, ठीक है। किसके लिए? भारतीय दलित वर्ग। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, जिसका जवाब डी आ रहा है, बिल्कुल सही है। और अगला जवाब है, भारत में रेडियो प्रसारण प्रारंभ किया गया था किस वर्ष? 123 का जवाब दीजिए भाई, भारत में रेडियो प्रसारण प्रारंभ किया गया था किस वर्ष किया गया था? 123 का जवाब यहाँ पर आपके आने शुरू हो गए हैं और कुछ ही बच्चों के जवाब आ रहे हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर ए हो जाएगा, 1927। याद रखिए, रेडियो प्रसारण प्रारंभ जो किया गया था 1927 में, लेकिन राष्ट्रीयकरण किया गया था 1930 में किया गया था। तो प्रारंभ कब हुआ? 1927। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, अगर राष्ट्रीयकरण पूछता तो आंसर आपका बी हो जाता। अगला है कि निम्नलिखित सागरों में से किसमें न्यूनतम लवणता पाई जाती है? न्यूनतम लवणता जो पाई जाती है किस सागर में है? तो भाई न्यूनतम पूछा है, मैक्सिमम नहीं पूछा है, जो आप लोग डेड सी लगा दें, ठीक है। यहाँ पर आपका जो हो जाएगा न्यूनतम, वो आपका है चीन सागर, ठीक है। 124 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। चलिए 125 का जवाब दीजिए, यहाँ पर 125 क्वेश्चन पूछ रहा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। भाई ये क्वेश्चन काफ़ी डाउट में है और बच्चे यहाँ पर हर एक कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए गूगल में सर्च करते हैं तो दूसरा आता है, विकिपीडिया में आंसर दूसरा आता है, क्रोम ब्राउजर में दूसरा आता है, मतलब हर एक ब्राउजर में इसका सर्चिंग अलग अलग आता है। तो आप लोग यहाँ पर कमेंट भरी करिए कि इसका जवाब सही क्या हो जाएगा। काफ़ी बच्चों ने प्रयास भी किया था, हमने यहाँ पर कह सकते हैं कि कम्युनिटी गाइड में डाला था इस प्रश्न का जवाब, यहाँ पर काफ़ी बच्चों ने दिया था जो कि विकिपीडिया देखकर बताए थे, बल्कि कह सकते हैं इसका जो आंसर आपको इनमें क्या होगा। तो भाई इसका आंसर राइट जो आपका है, आयोग ने अपना अगस्त 1948 में माना है। कब माना है? अगस्त 1948 में। अब देखिए, जब ऑप्शन में कभी ये ना हो, ये ना हो ऑप्शन में, तब आपको बताना है 1 मार्च 1958, ठीक है। अच्छा, जब 1958 भी ना हो तब आपको 1954 बताना है, जो कि विकिपीडिया के अनुसार सही आंसर आपका
3 अगस्त 1954 हो जाएगा। ठीक है, विकिपीडिया के अनुसार 3 अगस्त 1954 आपका इसका आंसर होगा, बल्कि यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन आपके नहीं है, चारों पांच सिर्फ आंसर आपका ए है, जो कि आंसर आपका ए हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करता रहना, ठीक है। चलिए 126 का जवाब दीजिए। विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वो आपका क्या है? विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वो आपका कौन सा है? विश्व व्यापार संगठन जो कि एक गैर सरकारी संस्था है, जो कि जिसे हम लोग गैट के नाम से जानते थे। 126 का जवाब बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आ गया है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, गैट। गैट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है, ठीक है, डी नंबर। अगला जवाब है कि दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार का जो क्षेत्र है वह है, अर्थात दक्षिण अमेरिका में जो खनिज का भंडार है कहाँ पर पाया जाता है खनिज का भंडार? ये आपका है ब्राजील के पठार में। 127 का जवाब आपका ए हो जाएगा, ब्राजील का पठार, ठीक है, जिसका जवाब ए है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला जवाब दीजिए 128 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस उद्योगों में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? जो अभ्रक है इसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में किस में प्रयोग करते हैं बताइए भाई, ऑप्शन राइट। 128 का जवाब सभी लोग दीजिए साथ में जवाब। तो उद्योग जो आपका कह सकते हैं अभ्रक का जो कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, वैद्युत में प्रयोग करते हैं, ठीक है, वैद्युत में प्रयोग करते हैं, डी नंबर। अगला है उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? भारत कला भवन कहाँ स्थित है जवाब दीजिए, भारत कला भवन कहाँ पर है? 129 का जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं, वेरी नाइस, ऑप्शन राइट, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 129 का डी हो जाएगा, वाराणसी में। याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन जो आपका है वो आपके वाराणसी में है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा भाई, उत्तर प्रदेश मत लगा देना, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका है, उपाध्ययन वर्ड प्रोसेसिंग का अप्लीकेशन प्रोग्राम कौन सा है? उपाध्ययन वर्ड प्रोसेसिंग का अप्लीकेशन प्रोग्राम कौन सा है? देखो लगभग एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कंप्यूटर से, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से, और लगभग 20 क्वेश्चन आपके होंगे जो जीके जीएस से होंगे, ठीक है। तो इसका जवाब 130 का हो जाएगा यहाँ पर, बी नंबर आपके वर्ड स्टार से संबंधित है। करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं एक नए वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।